जोधपुर से साबरमती के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन कल देर शाम आबू रोड पहुंची। ट्रेन जोधपुर से रवाना होकर कल देर शाम करीब 9 बजे आबू रोड पहुंची। वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने ट्रेन का स्वागत किया। इससे पूर्व आबू रोड रेलवे स्टेशन पर सांसद देवजी पटेल और विधायक जगसी राम कोहली भी पहुंचे और ट्रेन का स्वागत किया। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए यात्रियों सहित शहरवासियों की भीड़ भी देखने को मिली। कई लोग स्टेशन पर ट्रेन के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। ट्रेन को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। शहरवासियों ने बताया कि इस ट्रेन के शुरू हो जाने से व्यापारियों सहित हर वर्ग को फायदा मिलेगा। आबू रोड के व्यापारियों का अहमदाबाद से बहुत बड़ा लिंक है और आबू रोड के व्यापारी अहमदाबाद से काफ़ी माल का सामान खरीदते हैं। अब तक ये होता रहा है कि जो ट्रेन का सेटलमेंट था, ट्रेन का जो टाइम टेबल था, वो आबू रोड के व्यापारियों के लिए सुबह जाके शाम को आना बिल्कुल नामुमकिन था और नाइट स्टे करना पड़ता था, जिसकी वजह से होटल आदि का खर्चा भी देना पड़ता था और साथ ही जो आने जाने में जो समय व्यर्थ होता था वो अलग बात थी। अब वंदे मातरम शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि आदमी सुबह जाके अपना काम करके रात्रि को वापस अपने घर लौट सकता है। आज हमको नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है और आज व्यापारी वर्ग हर वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम आज इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हम मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आगे भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम किए मोदी जी ने और आगे भी करते रहे, ऐसा हम सब चाहते हैं। धन्यवाद मोदी जी। मेरा नाम नीतू कपूर है और मैं दिल्ली से हूँ और बाकी जो मैं बताना चाहती हूँ, आज फर्स्ट डे चल रही है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 7 जुलाई को जोधपुर से हमारा अहमदाबाद साबरमती। काफ़ी हमारी कंफर्ट जोन से जो हमारी वंदे भारत चलाई गई है तो काफ़ी हम आरामदायक तेज़ रफ्तार के साथ वंदे भारत को एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी देख सकते हैं पब्लिक जो है वंदे भारत को काफ़ी ज़्यादा हद तक लाइक कर रही है क्योंकि इसको कहा जा रहा है मैं बेसिकली कि एक फ्लाइट लाइक कंफर्ट जोन दे रही है, साथ के साथ जो हमें बेसिकली रेगुलर बेस पे चाहिए होता है आजकल बिजी लाइफ में, टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बचा रही है। देख सकते हैं 466 किलोमीटर जो हमारा जोधपुर से लेकर हमारा अहमदाबाद तक का डिस्टेंस है बहुत ही कम समय में ये कवर कर रही है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आजकल बिजी लाइफ में टाइम पीरियड बचना हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल बात है। किराए को लेकर क्या कहेंगे? बिजनेसमैन को टाइम की बचत होगी और बिजनेसमैन को काफ़ी फायदा राहत मिलेगी और अर्जेंट जाने वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जैसे कोई पेशेंट को जाना है या वगैरह जाना है, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फायदा है। वैसे हमारे यहाँ के जो प्रवासी बंधु है वो अहमदाबाद और कई शहरों में रहते हैं, उनको भी आवागमन में सुचारू रूप से ये व्यवस्था उनको मिल जाएगी। जोधपुर से जिसको आना है वो पर डे अगर यहाँ से वो जाके आना चाहे तो वो आ सकते हैं।